Ми звикли говорити. तीन देश मिलकर भी नहीं रोक पाए पुतिन का अभियान। क्या पुतिन को नहीं मिली मोदी की हरी झंडी? अमेरिका और यूरोप को रूस के हाथों कौन बचाएगा? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में सोचकर पूरी दुनिया डरी हुई है। दुनिया के तमाम देश इस युद्ध को रोकने की अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट डायरेक्ट पुतिन से मिल चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से अपील की है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक उनकी गुहार पहुंचाएं और युद्ध रुकवाकर उनकी जान पर आया संकट टाल दें। इन तीनों मुल्कों के नेताओं ने पुतिन से टेलीफोन पर बात भी की, लेकिन बावजूद इनके जंग पर ब्रेक नहीं लग सका। अलबत्ता रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की इमारतें धड़ाधड़ गिर रही हैं। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रूसी राष्ट्रपति क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तीन देशों से चर्चा से पहले पुतिन ने मोदी से भी पुतिन की बातचीत करीब 50 मिनट तक चली, और इस बातचीत में मोदी ने पुतिन को डायरेक्ट यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके मामला सुलटाने को कहा था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन से बात भी की। मामला आगे बढ़ पाता इससे पहले कई घटनाएं ऐसी हो गई जिनसे पूरा का पूरा मामला ही डिरेल हो गया। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने की आड़ में तमाम देश क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं, और दोस्तों पुतिन इस बात को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि भारत ने रूस और यूक्रेन के मामले में टांग नहीं अड़ाई। अलबत्ता रूस और यूक्रेन के बीच पड़ने के बजाय पीएम मोदी ने बड़ी ही कूटनीतिक चाल चली है। मोदी के कदम के बाद दुनिया के तमाम क्रेडिट खाऊ मुल्कों के 12 बज गए हैं। यही वजह है कि तीन देशों के नेता 9 घंटे तक पुतिन की मनोहार करते रहे, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं हुए। दोस्तों, सोमवार को ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन ने बातचीत की, जिसके बाद मोदी ने पुतिन को समझाया भी था। और दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि भारत रूस का जिगरी दोस्त और पुराना दोस्त है, और दोस्तों रूस ने हर वक्त जरूरत पड़ने पर भारत के साथ खड़ा रहकर दोस्ती का प्रमाण भी दिया है, और भारत ने भी रूस की राह का रोड़ा न बनकर अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया है। लेकिन दोस्तों, युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों की आड़ में इजराइल, फ्रांस और तुर्की का क्या फायदा है, ये मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मोदी आखिर कौन कौन सी चालें चल रहे हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, साल भर से भी कम समय से इजराइल की कमान संभाल रहे बेनेट विश्व मंच पर बहुत हद तक परखे हुए नहीं हैं, लिहाजा अब वो रूस और यूक्रेन विवाद में समझौता करवा कर क्रेडिट लेने की कूटनीतिक कोशिश की भूमिका निभाने की संभावनाएं बना रहे हैं। सीरिया में सुरक्षा समन्वय के लिए इजराइल कैमरिल के साथ संबंधों पर निर्भर है। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान के साथ मॉस्को टेबल टॉक्स पर बैठा हुआ है। यानी नेफ्ताली बेनेट को पता है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फुल स्टॉप लगवाना है तो रूस को अपने पाले में रखना ही होगा। लिहाजा इसराइल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नाराज नहीं कर सकता। इसराइल में बड़ी संख्या ऐसे प्रवासियों की है जिनका संबंध तत्कालीन सोवियत संघ के देशों से है। इसराइल दोनों की भी समझौता करवा के अपने देश में रहने वाले प्रवासियों के बीच एक बेहतर उदाहरण पेश करना चाहता है। तो वहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन में उनके सरपंच बनने के दौर पर उनको पहचाना जाए, और पूरा का पूरा यूरोप उनके पीछे उसी तरह खड़ा रहे जैसे अमेरिका के पीछे नेटो मुल्क खड़े हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फ्रांस के राष्ट्रपति मिल चुके हैं, और इस वर्चुअल मीटिंग में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी शामिल रहे। लेकिन इसकी खिचड़ी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी आदत के मुताबिक ही हींग ज्यादा कर दी,
यानी ना चाहते हुए भी जिनपिंग को मोदी के ही मंत्र को आगे दोहराना पड़ गया है, क्योंकि जिनपिंग जानता है कि इस वक्त पुतिन अगर किसी नेता की सुन रहे हैं तो वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, चीन खुद भी नहीं चाहता कि यूक्रेन रूस में जंग खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो प्रत्यक्ष रूप से रूस कमजोर होगा, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी कमजोर होगा, क्योंकि वो जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा होगा। और दोस्तों, अगर रूस कमजोर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके और रूस के पास ही जा सकता है, क्योंकि बाकी की दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध थोप रखे हैं, यानी रूस को चीन अपने संभावित बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। लिहाजा मैक्रो और सोल से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने भी वही बात दोहरा दी जो मोदी लगातार दोहरा रहे थे, यानी दोस्तों दोनों देश संयम बरतें। हालांकि दोस्तों, अपनी टांग अड़ाऊ नीति पर चलते हुए चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी की टांग शांति दूतों वाली इस मंडली में फंसा रखी है, और बयान में कहा है कि चीन शांति के लिए बातचीत को सुविधाजनक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हालांकि यहां पर आप एक दिलचस्प बात ये जान लीजिए कि चीन से मदद ना तो यूक्रेन ने मांगी है और रूस द्वारा मदद मांगने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर तुर्की भी इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए बेताब है। तुर्की के राष्ट्रपति और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत में चल रहे एर्दोगन ने रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई बंद करने के लिए पीस एग्रीमेंट का सुझाव दिया है। दरअसल दोस्तों, तुर्की के रूस और यूक्रेन दोनों से ही अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग हो रही है तो इन परिस्थितियों में वो मध्यस्थ बनकर शांति करवाने का श्रेय लेना चाहता है, ताकि मिडिल ईस्ट में उसकी तूती मुखिया के तौर पर बसती रहे और यूरोप और अमेरिका उसके रसूख के आगे सजदा करते रहे। लिहाजा एर्दोगन ने अगले हफ्ते दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए इन्वाइट किया है। दोस्तों, पुतिन को मनाने के लिए एर्दोगन ने एक घंटे तक फोन पर मनुहार की, लेकिन पुतिन अपनी उन शर्तों पर अड़े हुए हैं जो उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत के बाद यूक्रेन के सामने रखी थी। पुतिन जंग को रोकना नहीं चाह रहे हैं। इसकी दो वजह हैं। दोस्तों, पहली ये वजह है कि पुतिन को अमेरिका और यूरोप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन को बैकअप देने का भ्रम पालकर दोनों देशों के बीच हो रही जंग के साक्षी हैं। पुतिन देख रहे हैं कि कैसे नेटो और अमेरिका ने दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। दोस्तों, वो ये भी जानते हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो और अमेरिका चने के झाड़ पर ना चढ़ाते तो आज यूक्रेन के इतने लोग ना मारे जाते और ना ही रूस को इस तरह की सैन्य कार्रवाई करनी पड़ती। पुतिन ये भी जानते हैं कि अमेरिका यूरोप के बहाने रूस को घेरना चाहता है। यूक्रेन अमेरिकी दबदबे वाले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो में शामिल होना चाहता है। इससे रूस को सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकता है। इसी के साथ यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन यानी ईयू की मेंबरशिप की मांग की है। दोस्तों, आपने कई बार खबरों में पढ़ा है और सुना भी है कि यूक्रेन नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की फिराक में है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका है, और इसका कारण भी आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, नेटो और यूरोपीय यूनियन का ऐसा एग्रीमेंट है कि अगर किसी सदस्य देश पर आंच आई तो ये सभी देश मिलकर के लड़ेंगे, यानी इसके किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला मान लिया जाएगा। इसलिए यूक्रेन के नेटो मेंबर बनने से ही रूस चारों ओर से नेटो देशों से घिर जाएगा। इससे अमेरिका को रूस पर सीधा हमला करने की आजादी मिल जाएगी। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य देश बन जाए। इससे पहले ही रूस लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे उन देशों से घिरा हुआ है जहां पर हजारों की संख्या में नेटो और अमेरिकी जवान मौजूद हैं और रूस को घेरे हुए हैं। रूस नहीं चाहता कि उनके पड़ोस में और ज्यादा ऐसे मुल्क हों जो नेटो में शामिल हों। पुतिन के जंग न खत्म करने की दूसरी एक और बड़ी वजह है, और वो वजह है रुतबा। दोस्तों, पुतिन को वही रुतबा चाहिए जो रूस का रुतबा सोवियत संघ के जमाने में हुआ करता था, और रूसी राष्ट्रपति इस मामले में दुनिया को बता भी चुके हैं। दोस्तों, हाल ही के दौर में रूस की इकोनॉमी धरातल पर है, वो गिर चुकी है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ बड़ी ताकत बनकर के उभरा था। रूस यूरोपीय देशों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, इसके कारण रूस के संबंध यूरोपीय देशों के साथ खराब हो गए। रूस की इसी हालत का फायदा उठाना चाहता है अमेरिका, लिहाजा वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन जाए। इससे दोस्तों अमेरिका सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो नेटो और अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेनाएं और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। रूस को अंदेशा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके देश में विदेशी ताक झांक बढ़ जाएगी।
और किसी भी विषम परिस्थिति में उनके दुश्मन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर डालेंगे। लिहाजा पुतिन ने जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करने, संविधान में बदलाव करने और हमेशा के लिए एक तटस्थ देश बने रहने की शर्त रख दी। इसके साथ ही पुतिन की शर्त ये भी है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने और लुहांस्क और डोनेस्क को एक अलग मुल्क के रूप में स्वीकार कर ले। दोस्तों, रूस की इन कड़ी शर्तों को यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना को करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने उत्तरी पश्चिमी शहर चुहिल पर फिर से कब्जा कर लिया है। इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 2 शीर्ष कमांडरों को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि दोस्तों, अब जेलेंस्की की कमर ढीली पड़ चुकी है और वो सरेंडर करने वाले से मोड में आ चुके हैं, क्योंकि रूस अब बहुत ज्यादा आग बबूला हो चुका है और अगर रूस ने अपने खतरनाक हथियारों का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया तो फिर यूक्रेन का तबाह होना कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी दौरान दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज और रूस पर मजबूत पकड़ के बारे में जेलेंस्की भी जानते हैं। लिहाजा दोस्तों, यूक्रेन ने भारत से इस मामले में मध्यस्थता करने की गुजारिश की है। हालांकि यूक्रेन चीन के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय दोस्तों, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद वर्तमान संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा खुद भारत पहुंचे थे। पोलिखा ने साफ साफ कहा था कि उन्हें लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बातचीत करके समाधान निकलवा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जेलेंस्की और उनके विदेश मंत्री भी लगातार मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं, बातचीत कर रहे हैं और मीडिया के सामने आकर के भी कह रहे हैं कि इस मामले में मोदी ही कुछ कर सकते हैं। तो बड़ा मामला ये है कि आखिर मोदी ही क्यों? क्योंकि मोदी इसलिए, क्योंकि दोस्तों, यूक्रेन जानता है कि इस पूरे कैनवास में बाइडेन फेल हो चुके हैं, वो केवल धोखा देना जानते हैं। यूरोपीय देश केवल और केवल यूक्रेन के लोगों को आग में झोंक करके एक बफर जोन के तौर पर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बफर जोन ऐसा जोन होता है जिसमें तबाही तबाही होती है। और दोस्तों, यूक्रेन को यूरोप अपने बफर जोन के तौर पर देखना चाहता है, ताकि रूस से आने वाली हर मिसाइल पहले तबाही अगर मचाए, रूस से आने वाला हर गोला अगर तबाही मचाए, तो वो यूक्रेन में तबाही मचाए, वो यूरोप में तबाही ना मचा पाए। और दूसरी तरफ अमेरिका है, वो बिल्कुल सेफ हैंडली खेलना चाहता है। बेशक उसने सारे के सारे हथियार यूक्रेन भेज दिए हैं, लेकिन खुद का एक सैनिक अभी तक यूक्रेन नहीं भेजा है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि वो बिल्कुल साइलेंटली दूर बैठकर के रूस की इकोनॉमी को तबाह होते देखना चाहता है, उसमें बैन लगते हुए देखना चाहता है, लेकिन खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और दोस्तों, यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की खुद पीएम मोदी के साथ में लगातार संपर्क बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को लूप में रखा जाए। जेलेंस्की जानते हैं कि भारत और रूस पुराने समय के दोस्त हैं और भारत भी एक निष्पक्ष शक्ति है, लिहाजा वो मौजूदा संकट में भारत को मध्यस्थ के तौर पर शामिल करना चाहते हैं। और दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन चाहता है कि भारत इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाए, मोदी पुतिन से बातचीत करें, क्योंकि दोस्तों, वो मोदी ही थे जिनके एक फोन कॉल से पुतिन ने 6-6 घंटे के लिए अपनी वॉर को रोक दी थी। जाहिर सी बात है कि वो किस लेवल पर मोदी की बात को मानते हैं। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर के जरूर बताएं। नमस्कार।